हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज करने वाले हैं आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास सिक्स के बुक ब्लॉसम्स का चैप्टर नंबर 8। और आज का हमारा चैप्टर है गुड बाय टू द मून बाय मोनिका ह्यूज़। मोनिका ह्यूज़ 1925 टू 2003 वाज एन कैनेडियन ऑथर हु इज़ स्पेशली नोन फॉर हर बुक्स ऑन साइंस फिक्शन। तो मोनिका ह्यूज़ का जन्म हुआ था 1925 में, डेथ हुआ 2003 में। ये कैनेडियन ऑथर थी और स्पेशली इनको जाना जाता है इनके साइंस फिक्शन बुक्स के वजह से। सी रोट एडवेंचर एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। इसके अलावा उन्होंने एडवेंचरस और हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे हैं। द टेक्स्ट गुड बाय टू द मून इज़ एन अडेप्टेशन फ्रॉम वन ऑफ हर पॉपुलर वर्क ऑफ साइंस फिक्शन। तो ये जो कहानी है गुड बाय टू द मून, ये एक अडेप्टेशन है उनके ही एक साइंस फिक्शन बुक से ली गई। चलिए चलते अपने स्टोरी की तरफ। लेट अस रीड। आई सेट इन डार्क व्यू रूम ऑफ द स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे एक लड़का है जो एक स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है। स्पेस स्टेशन जिससे हम आसमान में अंतरिक्ष में जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। उसके व्यू रूम में, व्यू रूम मतलब कि उस स्पेस स्टेशन के अंदर कुछ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हैं जिससे आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। तो यहाँ जो लड़का है वो बैठा है इस रूम के अंदर, व्यू रूम के अंदर, और बाहर के नज़ारे देख रहा है। आई लुकड आउट द अर्थ। मैं अर्थ को देख रहा हूँ। यहाँ पे वो व्यू रूम में बैठ करके अर्थ को देख रहा है, मतलब कि वो अर्थ से बाहर है। इट वॉज सम वाट फैमिलियर टू मी। किसी तरीके से ये मेरे लिए फैमिलियर है, मतलब अर्थ जो है मेरे लिए ही लग रहा है, मतलब वो मेरा ही घर लग रहा है। देयर वॉज अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ द ब्लू प्लैनेट इन आवर ड्रॉइंग रूम। इसका एक छोटा सा फोटोग्राफ मेरे ड्रॉइंग रूम में लगा हुआ है इस ब्लू प्लैनेट का। ब्लू प्लैनेट मतलब अर्थ का। आई कैपलर मास्टरमैन वॉज बॉर्न ऑन द मून 15 ईयर्स बैक। तो ये जो लड़का है इसका नाम है कैपलर मास्टरमैन और इसका जन्म हुआ है मून पे 15 साल पहले, मतलब ये 15 ईयर्स का है और इसका जन्म मून पे हुआ, ये कभी अर्थ पे गया ही नहीं। माई मदर हैड बीन डेड 5 ईयर्स एगो। इसकी मदर का डेथ 5 साल पहले ही हो चुका था। सी हैड टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट द अर्थ दैट एक्साइटिंगली अननोन प्लेस। तो जो इसकी मदर थी वो इसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई करती थी अर्थ की, मतलब जो इसकी माँ थी वो अर्थ से बिलोंग करती थी। और जब ये जन्म लिया और इसके बाद इसने, उनकी माँ ने इसको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई अर्थ के बारे में, खासकर बहुत सारे अननोन प्लेसेस के बारे में जिसके बारे में वो नहीं जानता। माई फादर इज़ गवर्नर ऑफ द मून। और जो मेरे फादर हैं वो मून के गवर्नर हैं, मतलब एक तरह से गवर्नर जो होते हैं वो पूरा मून को चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ही वॉज गोइंग ऑन एक्सपीडिशन टू द अर्थ। और वो जाने वाले हैं एक एक्सपीडिशन पे, मतलब एक तरह से एक्सपीडिशन मतलब खोजकर्ता भी होते हैं, या किसी काम से जाना, स्पेशली किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उस पर जाना होता है। तो ये लोग मून से जाने वाले हैं अर्थ पे। एंड हेयर वाज आई। और यहाँ पे मैं अकम्पेइंग हिम ऑन माय फर्स्ट एवर जर्नी टू द अर्थ। और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। अनकम्पेइंग मीन्स यहाँ उनके साथ हो लेना, एक साथ जाना। तो ये फर्स्ट टाइम अर्थ पे जाने वाला है। आई लुक डाउन एट अर्थ। मैंने उस व्यू रूम से नीचे अर्थ की तरफ देखा। इट सीम सो क्लोज टू मी दैट आई फेल्ट आई कुड टच इट। वो इतना नज़दीक लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं उसे छू सकूँगा। अब इसमें ऐसा क्या था, अर्थ जो है मून से काफ़ी बड़ा है और मून के ऊपर स्पेसशिप है। ये लोग मून पे नहीं है, मून के ऊपर एक स्पेसशिप चल रहा है, उसके ऊपर ये लोग हैं, उसके अंदर व्यू रूम से वो मून को देख सकता है। जब वो देख रहा है तो उसे लगता है कि मून से ज़्यादा नज़दीक अर्थ है, जिससे वो अपने हाथ को भी बढ़ा करके अर्थ को छू सकता है, वो उसके साइज की वजह से। वी हैड टू वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स बिफोर योर जर्नी स्टार्ट, बिफोर आवर जर्नी स्टार्ट। तो इनको, मतलब कि कैपलर को, 15 मिनट और इंतज़ार करने पड़ेंगे यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने के लिए, मतलब 15 मिनट के बाद उसका जो स्पेस है, स्पेसशिप है, वहाँ से उड़ेगा और अर्थ की तरफ जाएगा। फीलिंग रेस्टलेस आई लेफ्ट व्यूइंग रूम एंड ग्लाइडेड डाउन द लॉन्ग पैसेज टू द सेंटर ऑफ द स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे जो कैपलर है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, मतलब बेचैन हो रहा है, उसे बहुत ही जल्दी जाने की पड़ी है अर्थ पे और उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, लेकिन उसे 15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए वो व्यूइंग रूम को देखने वाला जो रूम है उसको छोड़ करके वहाँ से ग्लाइडेड करते हुए, सरकता हुआ आराम से नीचे पैसेज से होते हुए, मतलब एक लॉन्ग पैसेज है, एक रास्ता है शिप के अंदर जो एक जगह से दूसरे जाने के लिए यूज होता है, वहाँ से होते हुए सेंटर ऑफ द स्पेस स्टेशन के पास पहुँच जाता है, मतलब स्पेस स्टेशन को जहाँ से पूरा चलाया जाता है उसके सेंटर में वो पहुँच जाता है। आई कुड सी माई फादर दे आर सराउंडेड बाय रिपोर्टर्स। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो मेरे फादर को घेरे हुए हैं, मतलब बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं उनके, उनसे बात करने आए। आई कैम बैक टू द व्यू रूम विच वॉज एम्प्टी। और मैं फिर वह देख करके वापस अपने व्यू रूम में चला आता जो बहुत ही खाली है, मतलब कोई वहाँ पे नहीं है। आई लुकड आउट इन टू स्पेस। फिर मैं स्पेस की तरफ देखने लगता हूँ। हमारे अर्थ और मून के बीच का जो खाली जगह है वो हमारे लिए स्पेस है।
माई मून माई होम अपियर्ड वेरी स्मॉल नाउ, और जो मेरा मून है, जो मेरा घर है, वो अब देखने में छोटा लग रहा है। छोटा क्यों लग रहा है? उसके सामने अर्थ है, अर्थ काफ़ी बड़ा साइज में है, इसलिए अर्थ का साइज़ बड़ा लग रहा है, मून का साइज छोटा लग रहा है। एट होम किड्स वुड बी गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, और घर पे सारे जो बच्चे हैं वो रेडी हो रहे हैं पार्टी के लिए। अब ये पार्टी क्या है? देयर्स ऑलवेज बीन अ पार्टी एट सनराइज़, जब भी यहाँ पे सनराइज़ होती है तो यहाँ पे पार्टी होती है। तो ये सनराइज़ मतलब हमारे अर्थ पे तो हर रोज़ ही सनराइज़ होती है 24 आवर के बाद, बट मून पे ऐसा नहीं है। द सन रोज ओनली 12 और 13 टाइम्स अ ईयर, एक साल में बस 12 से 13 बार ही सन रोज होता है, सन वहाँ पे दिखाई देता है। सो इट वॉज समथिंग स्पेशल फॉर अस, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। द सन लाइट क्रैप्ड स्लोली अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द मून अनटिल फाइनली नाइट वॉज गॉन, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी रात होती है, उसके बाद सनराइज़ होता है और सन लगभग 14 से 15 दिन वहाँ पे दिखाई देता है। तो जो फर्स्ट सनलाइट आता है वो बहुत ही क्रैप स्लोली धीरे धीरे वहाँ पे आता है, और धीरे धीरे वहाँ से नाइट गायब होती दिखाई देती है। और जब जब ये सन रोज़ वहाँ पे होता है तब वहाँ पे पार्टी मनाई जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेट्स कंटिन्यू। सडनली द डोर ओपन बिहाइंड मी, सडनली मतलब अचानक से मेरे पीछे का दरवाज़ा खुला। आई कुड हेयर एक्साइटेड वॉइसेस, मैंने बहुत सारे एक्साइटेड आवाज़ें सुनी, एक्साइटेड वॉइसेस। द फेरी फ्रॉम अर्थ मस्ट हैव अराइव्ड, फेरी ऐसे तो पानी में चलने वाले जहाज़ों को जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको फेरी कहते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से जो स्पेस सेफ है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसे भी यहाँ पे फेरी ही कहा जा रहा है। इट कैरीड, और ये जो फेरी है ये आया है आपका अर्थ से, यहाँ पे लोग जो आए हैं वो अर्थ से मून पे आए हैं। इट कैरीड पैसेंजर्स फ्रॉम द अर्थ रेडी टू गो फॉर मून सफारी, और अर्थ से लोग यहाँ पे करने आए हैं मून सफारी, मतलब मून को घूमने आए हैं। पीपल एगर टू लुक अराउंड द मून, और लोग यहाँ पे आएंगे और मून को चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कैसा है। एंड हेयर वी वर गोइंग टू द अर्थ इंस्टीट, और दूसरी तरफ हम अर्थ पे जा रहे हैं, अर्थ सफारी पे, एक तरह से अगर कैपिटल के शब्दों में कहा जाए तो लोग अर्थ से यहाँ पे मून सफारी पे आए हैं और हम अर्थ पे जाने वाले हैं अर्थ सफारी के लिए। आई स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम टू द सेंट्रल लॉबी, उसके बाद मैं रूम से निकल करके स्लिप्ट करता हूँ, स्लिप्ट करता मतलब धीरे से स्किप करता हुआ पहुँच जाता हूँ सेंट्रल लॉबी में। सेंट्रल लॉबी मतलब वो प्लेस जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक बड़ा सा होल रूम जैसा। फादर वॉज स्टैंडिंग देयर, फादर वहाँ पे खड़े थे। देयर वर द लास्ट मिनट गुड बाय, और सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे, मतलब ये जो जर्नी थी काफ़ी लंबी होने वाली थी और एक दूसरे के जान पहचान वाले उनको यहाँ पे छोड़ने आए थे। गुड लक गवर्नर, समवन कॉल्ड आउट, कोई चिल्ला के दूर से कहता है गुड लक गवर्नर, यहाँ पे उसे गुड लक कहा जा रहा है। सी यू इन 6 मंथ एट लीस्ट एट लेटेस्ट, रिप्लाई बाय माई फादर चेयरफुली, यहाँ पे मुस्कुराते हुए मेरे फादर ने उस इंसान को रिप्लाई दिया कि 6 महीने में तो हम मिल ही जाएंगे, मतलब लगभग 6 मंथ लग जाएंगे हमें अर्थ पे जाने, वहाँ पे सारा काम निपटाने और वापस आने में। आई वॉक्ड विथ हिम टू द अर्थ फेरी, उसके बाद हम स्पेस स्टेशन से निकल करके हम जाने वाले हैं स्पेस शिप के अंदर, अभी स्पेस स्टेशन के अंदर है उसे जाएंगे स्पेस शिप में जिसे हम अर्थ फेरी कहते हैं। इट वॉज मैग्निफिसियंट, इट वॉज 3 times बिग एज आवर मून फेरीज, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा वैभव, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा है। और ये देख करके कैपलर कहता है कि ये तो हमारे मून फेरीज से 3 गुना बड़ा है। मून फेरी क्या है? तो जिस स्पेस स्टेशन के ऊपर वो लोग अभी हैं, जब अर्थ से कोई आता है तो मून पे लैंड करने के लिए पहले उसे स्पेस स्टेशन पे लैंड करना होता है, फिर वहाँ से वो लोग मून फेरी लेके मून पे आते हैं। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ से मून से अर्थ पे जाएंगे तो हमें पहले स्पेस स्टेशन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम अर्थ फेरी लेकर के अर्थ पर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो मून फेरी है वो छोटी है और जो अर्थ फेरी है वो काफ़ी बड़ी है, और ये लोग जाने वाले हैं अर्थ फेरी से अर्थ पर। इज़ एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वंडरफुल एज दिस, क्या जिस तरह से ये जो अर्थ फेरी जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अर्थ पे सब कुछ ही है? आई विस्पर टू फादर, मैंने फादर से हल्के आवाज़ में पूछा, विस्पर्ड किया। प्रिटी मच सो, इट्स डिफरेंट फ्रॉम होम, फादर रिप्लाई, फादर ने रिप्लाई किया, हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन हमारे घर से बिल्कुल अलग है वो। दे द फेरी मूव स्लोली आउट इट्स डॉक, धीरे धीरे जो फेरी है जो स्पेस शिप है वो डॉक से अलग हो रहा है। डॉक मतलब जहाँ पे जहाज़ों को लगाते हैं, जैसे पानी के जहाज को जहाँ लगाते हैं उसे हिंदी में बंदरगाह कहते हैं या हार्बर कहते हैं, उसी तरह से स्पेस शिप को जब स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है तो वो अनडॉक हो रहा है, मतलब उसे अलग हो रहा है। इट एंटर द अर्थ ग्रेविटी, उसके बाद वहाँ से जब शिप आगे बढ़ती है तो अर्थ के ग्रेविटी में एंटर करती है। अर्थ के ग्रेविटी में एंटर करने पे बहुत ही ज़्यादा हलचल होती है। इट एंटर द अर्थ ग्रेविटी, आई फाउंड माई आई वर क्लोजिंग, इतना ही ज़्यादा हलचल या इतना ही ज़्यादा उसे तनाव महसूस हो रहा था
कि कैपलर की आंखें बंद हो गई, एक तरह से कहे तो वो बेहोश टाइप का हो गया था। इट सीम्ड ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर फादर्स वॉइस वेक अप मी, कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि मेरे फादर ने मुझे उठाया। कैपलर यू मस्ट नॉट मिस दिस साइट, तुम्हें ये मिस नहीं करना चाहिए, ये जो नज़ारे हैं इसे मिस नहीं करना चाहिए। वी हैव जस्ट एंटर इन टू द अर्थ ऑर्बिट, हम अभी अभी अर्थ के ऑर्बिट में एंटर किए। एंटर करना अंदर आना, ऑर्बिट आना मतलब कि अर्थ के आसमान में, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाना। आई लुक्ड आउट एगरली, मैं बड़ी ही ध्यान से बाहर देखने लगा उत्साह के साथ। आई रिकोगनाइज द नैरो स्ट्रेच ऑफ सेंट्रल अमेरिका, मैंने सबसे पहले लंबे से स्ट्रेच अमेरिका को देखा जो काफ़ी लंबा है। अमेरिका कहने का मतलब यहाँ पे दोनों अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। देन द मैजेस्टिक अटलांटिक बिनितस, उसके बाद नीचे जो समुद्र था, जो महासागर था, वो था अटलांटिक, वो नीचे ही नज़र आ रहा था। द प्लैनेट्स ऑल वाटर, आई गैप्स्ड, मैं हैरान होकर के बोला कि यहाँ तो सिर्फ पानी ही पानी है, पूरे प्लैनेट पे सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। सेवन टेंथ ऑफ इट आर रेदर, फादर एग्रीड, फादर मुझसे एग्रीड करते हुए कहते हैं कि ये सेवन टेंथ है, मतलब कि 10 में से 7 भाग तो पानी ही है। अ वर्ल्ड दैट वॉज सेवन टेंथ वाटर ऑन मून, वाटर वॉज हार्डर टू गेट देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड है, ऐसी दुनिया है जहाँ पे 7 गुना पानी है, मतलब जो पूरा अर्थ है उस पर 70% तो पानी ही है। बट मून को अगर ले तो मून पे ऑक्सीजन मिलना आसान है, बट पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वी हैड टू पे फॉर एवरी आउंस ऑफ इट, हमें एक एक आउंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे आउंस का मतलब है 28.35 ग्राम, इतना पानी के लिए काफ़ी पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, इससे सस्ता ऑक्सीजन पड़ता है, पानी बहुत महंगा है। वॉशिंग वॉज लग्जरी एंड ड्रिंकिंग अ स्पेशल डिलाइट, वहाँ पे नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी का काम माना जाता है, और अगर पानी पीने को मिल जाए तो वो बहुत ही खुशी की बात है। आई हैड ग्रोन अप थिंकिंग वाटर वॉज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द यूनिवर्स, मैं बड़ा हुआ हूँ इस सोच के साथ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो है पानी। ये लाइन हमारे लिए भी है, हमें भी हिट करता है कि इन फ्यूचर में जाके हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग होगा वो होगा पानी। जिस तरह से हम अर्थ पे पानी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पानी तो है बट पीने के लिए उतना पानी नहीं है, उसका परसेंटेज काफ़ी कम है और हम उसे काफ़ी तेज़ी से बर्बाद किए जा रहे हैं। नाउ आई कुड सी दैट अर्थ वॉज कवर्ड विथ इट, और मैं अब देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कैपलर कह रहा है कि पूरे अर्थ पे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वी ऑर्बिटेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड अरबिया, फिर हमने जो चक्कर लगाना शुरू किया, ऑर्बिट करना मतलब चक्कर लगाना शुरू किया, नॉर्थ अफ्रीका का फिर अरबिया का। आई कुड सी द ब्लूनेस ऑफ इंडियन ओशियन देन द पैसिफिक, फिर मुझे नजर आया इंडियन ओशियन जिसकी ब्लूनेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब जो पानी था उसका कलर बहुत ज़्यादा ही ब्लू था, उसके बाद पैसिफिक ओशियन। आर यू फीलिंग अनवेल, फादर अस्ट, फादर ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें खराब महसूस हो रहा है, अनवेल लग रहा है, तबीयत खराब तो नहीं। डोंट वरी इट विल गेट बेटर, इट जस्ट वेट डिफरेंस, फिर फादर ने कहा कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे, बस ये वेट डिफरेंस। अब ये वेट डिफरेंस, वजन का क्या डिफरेंस है। आई रियलाइज आई वेट 6 टाइम माई नॉर्मल वेट, तो आपको पता होगा कि अगर हमारा वेट पृथ्वी पे 60 kg है, 60 kg है, अगर हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट घटकर 10 kg हो जाएगा। वही अगर हमारा वजन मून पे 10 kg है और हम अर्थ पे आते हैं तो हमारा वजन 6 गुना बढ़कर 60 kg हो जाएगा, मतलब कि कैपलर का वजन जो होगा उससे 6 गुना ज़्यादा उसका वजन बढ़ चुका है। आफ्टर अ वाइल आई फिटेड माई हेड, लिफ्टेड माई हेड, उसके बाद धीरे से उसने अपने सर को ऊपर उठाया। पैसेंजर्स वर बिजी कलेक्टिंग बिलोंगिंग, और जो पैसेंजर थे वो अपने अपने सामानों को कलेक्ट करने में बिजी थे, बिलोंगिंग्स मतलब उनके सामान। वी हैड लैंडेड, मतलब कि हम लोग लैंड कर चुके हैं अर्थ के ऊपर। एंड आई स्ट्रगल विथ माई ओन सेफ्टी स्ट्रैप, और मैं अपने ही सेफ्टी स्ट्रैप से परेशान था क्योंकि वो उसे खोल नहीं पा रहा था। स्ट्रैप मतलब बेल्ट, जो बेल्ट आप कार में भी लगाते हैं, इस तरह के बेल्ट लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, वो उसे खोल नहीं पा रहा था। फादर लीन्ड ओवर टू हेल्प मी, और फादर फिर झुकते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, उस बेल्ट को खोलने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेट्स कंटिन्यू। समवन कॉल्ड आउट माई फादर, गवर्नर द प्रेस एंड टीवी आर वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे किसी ने आवाज़ लगाई कि गवर्नर आपके लिए प्रेस और टीवी वेट कर रहे हैं। प्रेस मतलब यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, और टीवी मतलब आपके न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनके रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं। ओह श्योर आई विल कम राइट अवे, हाँ जरूर मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे वो आगे जाने वाले हैं और मिलने वाले हैं प्रेस और टीवी रिपोर्टर से। आई वॉच हिम लीव डाउन द आइल, उसके बाद मैंने उन्हें बीच के रास्ते से जाते थे। आइल्स मतलब होता है कुर्सियाँ लगी होती हैं, उनके बीच का जो रास्ता होता है वो आइल्स होता है। इमिडिएटली आई स्विंग माई लेग डाउन द फ्लोर, उसके बाद मैंने तुरंत अपने पैरों को जमीन पे रखा। जमीन पे मतलब कि स्पेस सीट के ही पैर, जमीन पे उसने पैर रखे। आई रियलाइज स्टैंडिंग वॉज टफ एंड वॉकिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, मैंने महसूस किया कि खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है
और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है चलना, क्योंकि उसका वज़न जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आई प्रैक्टिस्ड वन फुट एंड देन अदर एंड अप एंड डाउन द आइल्स होल्डिंग ऑन टू द सीट बैक फॉर सपोर्ट। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, और जो सीट्स है उसको पकड़ते हुए, आइल्स से होते हुए, उस बीच के रास्ते से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था सीट बैक के सपोर्ट से। आई पुट माई जैकेट एंड वॉक विद डिफ़िकल्टी टू द एग्ज़िट पॉइंट। उसके बाद मैंने अपने जैकेट को पहना और बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे बढ़ता हुआ एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ा। आई सो क्राउड ऑफ रिपोर्टर्स एंड कैमरामैन सराउंडिंग माई फादर। मैं जब वहाँ पहुँचा देखता हूँ बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर खड़ी थी, उसमें रिपोर्टर्स और कैमरामैन मेरे पिता को चारों तरफ से घेरे थे। इट वॉज़ रियली अ न्यू वर्ल्ड, मेरे लिए है सच में बहुत नया दुनिया था। देयर वॉज़ अ स्टॉर्म ऑफ वॉइसेस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे उनका रिपोर्ट कवर करने के लिए, खासकर मून के गवर्नर से मिलने के लिए। हाउ लाउडली द पीपल ऑफ द अर्थ टॉक, मतलब कि मून पे जो लोग हैं उनकी जो आवाज़ें हैं काफ़ी कम होती हैं, या वो एक दूसरे से इतने ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, बट अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा शोर है, हल्ला बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे बहुत ही लाउडली बात करते हैं, ज़ोर से बात करते हैं। गवर्नर वुड यू से द डिफरेंसेस बिटवीन अर्थ एंड मून पीपल कैन नेवर बी सॉल्व। यहाँ पे जो गवर्नर है वो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने आए हैं अर्थ पे, तो यहाँ पे एक जो रिपोर्टर है उनसे क्वेश्चन करते हैं कि जो अर्थ और मून के बीच में डिफरेंसेस है क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है। आई एम कन्विंस्ड दैट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम्स द डिफरेंसेस कैन बी सेटल इन फ्रेंडली मैनर। तो यहाँ पे जो मून के गवर्नर है, जो कैपलर के फादर है, वो कहते हैं कि मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं इस बात से एकदम संतुष्ट हूँ कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने अगर प्रॉब्लम को बताएं, मेरे प्रॉब्लम्स के साथ, तो जो डिफरेंसेस है उसे आराम से सेटल्ड किए जा सकते हैं फ्रेंडली मैनर में, दोस्ती के रूप में। गवर्नर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल स्टे अर्थ। दूसरा एक और रिपोर्टर पूछता है कि आप अर्थ पर कब तक रहेंगे। आई गेस दैट इट मे टेक लॉन्ग एज 6 मंथ टू अ ईयर टू सेटल आवर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे कैपलर के फादर जो है, गवर्नर जो है, वो कहते हैं कि हमें शायद लॉन्ग 6 मंथ, लंबे 6 महीने से लेके 1 साल तक का वक्त लगेगा यहाँ पे अपने डिस्प्यूट को, अपने डिफरेंसेस को सेटल करने में, सॉल्व करने में। वन लास्ट क्वेश्चन गवर्नर, एक और जो रिपोर्टर उसे कहता है कि एक लास्ट क्वेश्चन, नाउ यू विल आर बैक ऑन अर्थ अगेन, विल यू टेल आवर लिसनर्स विच इज़ रियली होम टू यू, अर्थ और मून। तो यहाँ पे एक रिपोर्टर यहाँ पे गवर्नर से पूछता है कि आप अब वापस अर्थ पे आ गए हैं तो आप बता पाएंगे कि आपके लिए आपका असली घर कौन सा है, अर्थ या मून। दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। यहाँ पे जो गवर्नर है वो कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऑल माई कल्चरल टाइज आर विथ अर्थ, मेरे जितने भी कल्चर हैं वो जुड़े हुए हैं अर्थ पे, मतलब मून पे जो लोग रहते हैं वो जो कल्चर फॉलो करते हैं वो अर्थ से ही तो जुड़े हैं। बट आई मस्ट से दैट इट इज़ द मून वेयर माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि मेरा जो फ्यूचर और प्रेजेंट है वो मून से ही जुड़ा हुआ है। माई सन वॉज बॉर्न देयर, मेरे बेटे का जन्म वहाँ हुआ। माई वाइफ वॉज बरीड देयर, मेरी वाइफ वहाँ पे दफन है, मरने के बाद उसे गाड़ दिया जाता है, बरीड है। माई वर्क इज़ देयर, मेरा काम भी वहीं है। इट इज़ गुड टू बी बैक ऑन अर्थ, अर्थ पे आना बहुत ही अच्छा था, बट मून इज़ होम, लेकिन मून ही मेरा घर है। फादर सो मी स्टैंडिंग अमंग द रिपोर्टर्स। उसके बाद फादर ने मुझे वहाँ पे रिपोर्टर्स को दिखाया, वहाँ पे जो मैं खड़ा था। ही गेव मी हिज आर्म, उसने मेरे कंधे पे या अपने हाथ को मेरे कंधे पे रखा। वी वॉक टुगेदर ऑन द लैंडिंग पैड। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चल पड़े लैंडिंग पैड की तरफ। द सन वॉज जेंटली वार्म, जो सन है जेंटली वार्म है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। इट वॉज स्ट्रेंज बींग आउटसाइड विदाउट अ स्पेस सूट, और ये बहुत ही स्ट्रेंज था, मतलब बड़ा ही अजीब था कि मैं पहली बार बिना स्पेस सूट के बाहर घूम सकता था। मतलब मून पे आप बिना स्पेस सूट के बाहर घूम नहीं सकते, आपके लिए जो रोम या पोर्ट्स बने होते हैं उसके अंदर आप रह सकते हैं, बट यहाँ पे मून पे, अर्थ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आराम से आप सांस ले सकते हैं, इसलिए आपको स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं है। अर्थ विल सर्टेनली बी फन, इस तरह से जो अर्थ है वो अचानक से मेरे लिए फन बन गया था, मज़ेदार बन गया था। आई ले बैक एंड थॉट ऑफ द पिरामिड्स एंड ताजमहल एंड द मिस्टीरियस जंगल बिल्डिंग ऑफ इनकास। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया उन पिरामिड्स के बारे में जो इजिप्ट में है, ताजमहल जो इंडिया में है, और मिस्टीरियस जंगल बिल्डिंग्स ऑफ इनकास। इनकास मीन्स होता है पीपल फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कुछ पुराने सिविलाइजेशन के लोग जिन्होंने वहाँ पे अपने घर बनाए थे जंगल के बीच, उन मिस्टीरियस चीज़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था।
वुड 6 मंथ बी टाइम इनफ टू सी इट ऑल? क्या मेरे लिए 6 महीने पूरे होंगे सारी चीज़ों को देखने के लिए? मतलब वो इस 6 मंथ के अंदर ही सारी चीज़ों को देख लेना चाहता है। एक तरह से कहे तो वो अर्थ सफारी पे ही आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियो फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।